ये सीधा इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसे अभी डायरेक्ट करेंगे। ये देखना, अभी सिग्नल उठाएगा ये इधर से, ये सिग्नल इसने उठा लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आइए कि आप ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग फिलहाल शुरू करते हैं। मैं आपको जो है एक ट्रिक नॉन पीटी आईफोन के लिए बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को फुल देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि नॉन पीटीए जो आईफोन आप ले रहे हैं उसमें आप एक सिम चला सकते हैं, क्योंकि जो एसकॉम की सिम है वो नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने कहा था 1 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है, परमानेंटली उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन दूसरी एक सिम है, उसका एक मसला ज़रूर है लेकिन उसका आपको फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। आप आईकोस की जो डिवाइस है ना वो ले रहे हो ना, वो आपको लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आपके पास एक सिम है वो वाली, ठीक है, ना जायज़ है ना जोंग है और ना वो दूसरी सिम है। तो आपको मैं नॉन पीटी आईफोन में वो चला कर दिखाता हूँ, दूसरी सिम भी उसमें डाल के दिखाऊंगा कि उसमें वो दूसरी सिम जो है उसकी सर्विस नहीं आती, और दूसरी जितनी भी सिम है वो सारी डाल के दिखाऊंगा, उसमें उसकी जो सर्विस है ना वो नहीं आएगी, वो क्योंकि नॉन पीटी फ़ोन होगा। वो मैं चेक नहीं कर रहा वैसे कि आपको वो सीरियल नंबर वो जो होता है वो चेक करके उसके साथ दिखाऊं कि वो नॉन पीटी है कि नहीं, लेकिन उसमें मैं आपको सिम डाल के दिखा दूंगा, वो जल्दी हो जाएगा काम। सिम एक डाल के दिखा दूंगा कि वो नॉन पीटी है कि नहीं, उसमें वो सर्विस नहीं आएगी। दूसरा इसमें कि आपको एक सिम है जो आपका कॉल भी आएगी, कॉल जाएगी भी, ठीक है, उसमें नॉन पीटी आईफोन में वो चल रही है अभी तक, ठीक है, मैं 4 महीने से वो सिम चला रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। मेरे पास नॉन पीटी फ़ोन है iPhone 12 mini, तो इसके अंदर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि वो चल रही है अभी, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, इसमें जो है सिम नहीं है, तो फिलहाल इसको मैं दिखा देता हूँ, आपने जो सेटिंग भी क्या करनी वो आगे दिखाता हूँ आपको। जो आप सबसे पहले ये दिखा देते कि इसमें जो दूसरी सिम है वो नहीं चलती, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैं डालता हूँ इसमें सिम ट्रे में, मैंने निकाल दी इसका सिम ट्रे, और इसमें ये जो जोंग की सिम है ये डाल के दिखाता हूँ। ओ भाई एक मिनट, ये इसमें मैंने डाली, ठीक है, तो ये फेस लॉक ये इसमें डाल दी जोंग की सिम, इसमें अभी ये आ जाएगा नो सर्विस, ठीक है, ये नहीं उठा रहा सिम, ये प्लेन में एयरप्लेन मोड भी लगा दिया, लेकिन वो जो सर्विस है वो जोंग की भी नहीं आएगी ना जैस की आएगी, मैंने ये आपको दिखा दिया, ठीक है, ये नॉन पीटी है, ये नहीं उठाएगा सिम, ठीक है। तो इसकी जो सिम है वो निकाल देते हैं इसमें से। सबसे पहले ये कर रहा है कि इसकी जो ये सिम है ना, ये देख सकते हो इस पर नॉन पी टी ए, इसमें सिम वगैरह जो है नहीं है, ठीक है। इसमें आपको वो एक जो सिम है वो आपको कौन सी चाहिए, वो आपको टेलीनोर की सिम है वो चाहिए आपको, ठीक है, वही इसमें सिर्फ चल रही है। और इस पर एक और मसला आता है, वो आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। जो सिम चलने वाली है ना, सिर्फ ये टेलीनोर की एक सिम चलेगी, ये नई टेलीनोर की मैं सिम लेके आया हूँ, ये पुरानी मेरे पास पड़ी है, ये भी 3G पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये नई वाली ये भी चला के दिखाऊंगा, ये पुरानी वाली ये भी चला के दिखाऊंगा, दोनों चलेंगी इसमें, और क्या किस तरह चलनी है वो भी दिखाता हूँ आपको। डाल देनी है, ठीक है, ये सिम जो मैं इसके अंदर टेलीनोर की ये डाल रहा हूँ, ये टेलीनोर की सिम है भाई, तो इसके अंदर ये डाल देनी है, ठीक है, ये जब करेगा ऑन, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, ये 5G था इसे 2G करना है, और जो ये नेटवर्क सिलेक्शन है इसे जो है आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक भी करना है, ऑटोमेटिक से आपने मैनुअल करना है, क्लिक करना है, ये हो गया मैनुअल, ठीक है। अब इसका जो क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका क्या करना है, इसको अब हमने लगा दिया इस सिम को इसके अंदर 2G कर दिया, और इसको इसके अंदर डाल के इसका जो ऑटोमेटिक था इसे टेलीनोर शिफ्ट कर दिया, तो अब इससे निकाल के सिम हमने इसमें डालनी है, किसमें डालनी है, ये इसमें डालनी है सिम, ये देखें नो सिम अब अवेलेबल, इसमें सिम निकाल के इसके मोबाइल के अंदर डालनी, वो मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर डालने के बाद ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर सिम डालनी है, और ये बैटरी लगाते हैं, और इसके जब सिग्नल आएंगे तब जो है इसके अंदर अब डायरेक्ट उसमें से, क्योंकि हमने उसको कर दिया ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दिया, टेलीनोर जो टेलीनोर का है था ना वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सर्चिंग पर लगा हुआ है, ये नेटवर्क
आ जा भाई आ जा जल्दी आ जा। तो ये जो है ना सिग्नल इसके आ गए टेलीनोर के सिम के, तो मैं आपके सामने ये निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये निकाला ठीक है, ये इसमें से सिम ये वही निकाल रहा हूँ। ये निकालने के बाद मैं इसको जैकेट में डाल रहा हूँ। जैकेट में डालने के बाद हमने इसे ये किया तो ये सीधा इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसे अभी डायरेक्ट करेंगे। ये देखना अभी सिग्नल उठाएगा ये इधर से, ये सिग्नल इसने उठा ली है ठीक है। इसको अब हमने फ़ौरन क्या करना है, इसका ये है ना इसको 5G के ऊपर कर देना, ऑटोमेटिक के ऊपर कर देना इसे। ये देखो ये ऑप्शन आएगी, इसे ओके कर देना ठीक है, इसे बैक कर देना है। और ये जो टेलीनोर की थी आपकी, ये अब कभी भी बंद नहीं होगी। आप सिम निकाल देंगे तो बंद हो जाएगी, वैसे नहीं निकालेंगे तो ये चलती रहेगी ठीक है। इसे जो ये चीज़ थी ना ऑटोमेटिक को ऑफ़ रखना है, ये ऑन ना हो दोबारा ठीक है। इसे मैनुअल पर रखना है, टेलीनोर पीके को डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है और इसको बैक कर देना है। ये जो था ये 5G के ऊपर ऑटो पर लगा देना है। आप कहीं भी चले जाओ आपके सिग्नल उड़ेंगे नहीं, और इस पर कॉल भी होगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वैसे आवाज़ तो आ गई होगी, इसमें बैलेंस ही नहीं है यार। इस पर जो है ये देखो मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन इस पर बैलेंस नहीं है, मुझे अपना नंबर नहीं याद। ये वाला मैं अभी कर देता हूँ ये, तो ये इस पर बेल जा रही है ठीक है। तो ये टेलीनोर की जो सिम है ना ये चल चुकी है, ये बंद नहीं होगी ठीक है। इसकी जो मैं फुल गारंटी देता हूँ, जो उसकी जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, इसके अंदर जाके सिलेक्शन और ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है। अच्छा इसका एक और मसला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो ये डाटा है ना ये मैं ऑफ़ करता हूँ ठीक है। वाईफाई को ऑफ़ कर दिया तो क्योंकि आपको डाटा ऑन करेंगे ना जब, तो इसके अंदर डाटा नहीं चलेगा, डाटा जो है वो नहीं ऑन होगा इसमें, आप डाटा अपना नहीं चला सकते इसमें। यही मसला आता है टेलीनोर के सिम की, दूसरे जो नेटवर्क से वारिज जैज जो इसमें है वो सिम में कोई भी नहीं चलेंगे सिवाय टेलीनोर के। अब इसमें जो सिम सिर्फ चल रही है बस वही चल रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है इसमें। इस पर कॉल भी होगी, आपका डाटा भी नहीं वो चलेगा, लेकिन इस पर कॉल लाजमी होगी, ये तो गारंटी देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये ऑफ़ कर देना, डाटा का आपने चलना ही, डिवाइस ले लें एक छोटी सी वो 2500 की वो उसमें चला लें, वो सबसे बेस्ट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोटी सी एक बात है कि अगर आपने क्या नाम है उसका सिम को जो अगर उसका डाटा चलाना है ना, वो आप 2500 की जो यू फोन की वो डिवाइस जो मिलती है क्या नाम है ईवो वगैरह, वो लेके साथ में रख लें। और फ़ोन का ये जो सिम है ये चल रही है, लेकिन ये जो मेथड है ये हुकूमत को अब आईकॉम के वॉइस कॉम थी उसके अलावा भी आपको वो मिल जाएगा ना, वो उन्होंने बंद कर दी है ये भी जल्दी से, क्योंकि एसकॉम की सिम उन्होंने बंद कर दी है। अब दूसरी बार इसकी होगी क्योंकि ये अब फेमस हो जाएगी ये भी ऐसा ऐसा। अच्छा यार जो मेथड था वो मैं समझा चुका हूँ कि यार जो सिम थी ना उसको क्या करना है, सबसे पहले आपने नई सिम खरीद लेनी है टेलीनोर की, अगर आपके पास पुरानी है वो यूज़ कर लो ठीक है, पुरानी भी हो जो भी हो सिम टेलीनोर की सिर्फ उसमें सिम चलेगी। दूसरा कि उसमें आपने क्या करना है, उसको सिम को ना पहले मोबाइल के अंदर डालना, मोबाइल के अंदर डाल के आपने उससे 2G नेटवर्क पर सेलेक्ट कर देना है, और जो ऑटोमेटिक था ना वो उससे ऑफ करके आपने सिर्फ टेलीनोर सेलेक्ट कर देना है ठीक है, उसे बैक कर देना है और उस सिम को बाहर निकाल के आईफोन में से और दूसरा उसमें फीचर फोन या दूसरे फ़ोन में आपने डालना है, उसमें से निकाल के फिर आपने उसमें जो जब सिग्नल आ जाए उस दूसरे फ़ोन में तो आपने उसमें से निकाल के इस आईफोन में नॉन पीटीएम में सिम डालनी है और आपकी जो सिम है वो वर्क करेगी और सिग्नल उठा लेगी ठीक है। और सिग्नल उठाने के बाद फ़ौरन ही आपने क्या करना है, उस जो 2G था उससे आपने क्या करना है 5G पे कर देना है ठीक है, ऑटो पे 5G ऑन पे नहीं करना, 5G ऑटो पे कर देना है ठीक है, तो वो ऑन हो जाएगी ठीक है। आपके अगर आपके पास वो 4G फ़ोन है, आपके पास जो आईफोन 11 नहीं है उसके ऊपर क्या करना है ऑटो पे सेलेक्ट कर देना ठीक है। मैनुअल जो सेलेक्ट होता है ना 2G 3G, ये ऑटो जो होगा उस पर सेलेक्ट कर देना क्योंकि उस पर आपके सिग्नल जो है ड्रॉप भी होंगे और दोबारा आएंगे वापस भी आ जाएंगे, नहीं तो आपने अगर एक 2G पे रखा ना तो वो सिग्नल दोबारा गए, एक दफ़ा जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे ठीक है, उसे ऑटो पे करना लाजमी है ठीक है। तो वीडियो आपको आई होप के अच्छी लगी होगी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली व्लॉग्स देखना आपने, तो कोई ना कोई जुगाड़ मैं लेके ही आता रहता हूँ ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फिलहाल जो ये टेलीनोर की सिम है ये 4 महीने से मैं चला रहा हूँ, ये याद रखना, सिंपल सा मेथड है,
कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। टेलीनॉर की सिम बस आपने एक नई लेके आनी है, बस वही है। अगर आपके पास है तो वो चला लें, बस इसमें डाटा नहीं चलेगा।